तो हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर अमेजिंग। तो गाइस, आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं इनके साथ। तो गाइस, इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है जो कि इतनी पावर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में यही सब करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो मिल सके आपको नोटिफिकेशन में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इनमें पहले 220 वोल्ट जो हमारी बिजली का करंट आता है उससे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, ये जो आप कैपेसिटर दिख रहा है इसको हमारे डेली यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी यानी 220 वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है उसमें कनेक्ट करके देखेंगे। फिर देखते हैं इसमें क्या फर्क आता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर ये फूट जाएगा। तो गाइस, हमारे पास है 220 वोल्ट का बोर्ड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो देख सकते हो ये अभी चालू कंडीशन में, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। ठीक, तो गाइस अब देते हैं 220 वोल्ट। तो गाइस, ये फुल चार्ज हो गया। अब देखो मैजिक, देखा, आई होप आपको देखा होगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं, देखो ओ ये क्या हुआ। अब देखना ठीक ये होता है। अब क्या करेंगे, ठीक, अब ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर दोनों के एक साथ लगाएंगे। इनके जो दोनों वायर में एक दूसरे के साथ अटैच कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने लगा दिए कुछ इस तरीके से, अब इन दोनों को एक साथ लगाता हूँ। अब देखते हैं दोनों में कितना पावर आता है। इतना काफी है, अब देखना गाइस कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। ओह माय गॉड, तो गाइस ये होता है। अब हम क्या करेंगे, ये सीरीज में कनेक्ट करेंगे। हमने ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और इन दोनों को लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने कर लिया है, अब दो इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा यार। चलो एक बार ट्राई करते हैं, इसका मुझे कोई भरोसा नहीं। अब देखते हैं ये जो बीच वाला तार है इसमें करंट आ रहा है या नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। और चलो अब कोई डिफरेंट फर्क नहीं आया। तो गाइस, ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे और इसके बाद देखते हैं जो इतना मैजिक हो रहा है आपके सामने, जो चट चट हो रहा है, इसका राज क्या है, मतलब इसके अंदर अब क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इनको मैं साइड में रखता हूँ। मेरे पास कुछ टूल हैं जो देख सकते हैं, मैं इन टूल का यूज़ करूँगा। ये अपना चाकू, लास, पेचकस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे कुछ यहाँ से। तो वैसे इसके ऊपर का कैप जो है निकल गया, अब इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ रबर टाइप की निकली है। वो जो हमारा इसका एक वायर था वो यहाँ पर कनेक्ट था इस वाले पोर्शन पे कुछ इस तरीके से, और ये दूसरा वायर है वो हमारा
नीचे साइड कनेक्ट है, चलो उसको भी निकालते हैं। तो यार ये है पूरा कैपेसिटर, अंदर का पूरा सिस्टम देख सकते हैं। अब पता नहीं यार इसमें ये जो रबर टाइप की है वो क्यों डाली जाती है, अब इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है फिलहाल। फिर ही देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो चलो सबसे पहले इसको निकालते हैं। चलो इसको निकाल के देखते हैं। वाओ अमेजिंग। तो गाइस जो इसकी पन्नी दिख रही है यही एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो इसका मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा फिलहाल। ओह माय गॉड, काफी डिफिकल्ट है इसे निकालना। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। गासिया में दिमाग खराब हो गया। अब मैं इसको पूरा ही काटता हूँ एक साथ। तो ये